सो हेलो व्यूवर्स, ई टेट्रा गैजेट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5000 रुपीस के बजट के ऊपर पांच ऐसे कमाल के हेडफोन्स बताने वाला हूं जो कि पूरी तरह से गेमिंग डेडिकेटेड है। आप गेमिंग के लिए इन पांचों हेडफोन्स को बेशक यूज़ कर सकते हो। और 5000 रुपये में ये जो हेडफोन्स मैं आपको बताऊँगा, एक एक हेडफोन अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है और अपने प्राइस रेंज को सेटिस्फाई भी करता है। वेल, पाँचों हेडफोन्स आप फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, कॉन्सोल्स में यूज़ कर सकते हो और उसके अलावा पीसी में भी यूज़ कर ही सकते हो। सो गाइस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ध्यान से और बाकी चीज़ें मैंने वीडियो में आपको बता ही दी हैं। लेकिन जो दुख की बात है गाइस, वो ये है कि ये पांचों ही हेडफोन्स जो हैं काफ़ी जल्दी स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को देखते ही इनमें से जो भी आपको हेडफोन लेना है जल्दी से जाके उसको ख़रीद लेना, क्योंकि यार स्टॉक से बाहर होने के बाद उसके स्टॉक के आने का कोई पता नहीं होता। लेकिन फिर भी हम अपनी लिंक्स को अपडेट करते रहते हैं, तो अगर आप थोड़े दिनों बाद इस वीडियो को देख रहे हो तब भी हो सकता है आपको वो हेडफोन अमेज़न पे मिल जाए। तो हमारे लिंक्स को चेकआउट ज़रूर किया करो, वहाँ से आप डायरेक्ट लैंडिंग पेज पर जाते हो जहाँ पर आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है। खैर, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, JBL Quantum 300। गाइस, JBL के बारे में मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। खैर, आप लोग JBL को तो काफ़ी अच्छे से जानते ही होंगे अगर आपको हेडफोन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, या स्पीकर्स वगैरह के बारे में। ये जो हेडफोन है आपको 5000 रुपीस में देखने को मिल जाता है अमेज़ोन के ऊपर। वेल, अमेज़ोन ही नहीं, आप इसको कहीं से भी खरीदो, इसका प्राइस आपको 5000 रुपीस ही देखने को मिलता है। ये एक हाइब्रिड वायर्ड ओवर ईयर गेमिंग हेडफोन है जो कि क्वांटम सराउंड साउंड के साथ में आता है। इसके साथ में आपको एक फ्लिप अप माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, इसको आप फ्लिप कर सकते हो ऊपर जब यूज़ में ना हो। और ये जो हेडफोन है काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है। दोनों ईयर कप्स में ऊपर की तरफ आपको ग्लास शेड मिलता है, उसके अलावा जो ब्लैक कलर का सिंपल मिल जाता है। कुशन्स इसके काफ़ी स्मूथ हैं और आपके कानों में दर्द नहीं होगा अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक पहनते हो। इसके अलावा फ्लिप अप जो वॉइस फोकस डायरेक्शनल बूम माइक है, यानी यार इस माइक की कीमत भी अगर अपन निकालें अलग से तो 1000 से 2000 रुपये केवल माइक के बन जाते हैं। इन्होंने माइक भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया है इस हेडफोन में। लाइट वेट है, ड्यूरेबल है और 50mm के नियोडाइमियम ड्राइवर के साथ में आता है। और यार ये जो हेडफोन है ना, अगर आप गेमिंग के लिए कोई हेडफोन लेना चाहते हो तो यार मैं आपको रिकमेंड करूँगा 5000 रुपये के अंदर। इससे बेस्ट डील आपको नहीं मिलेगी, काफ़ी सेटिस्फाई करेगा आपको भी और आपके पैसों को भी। तो जल्दी से जाके ले लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर टू, Logitech G331। गाइस, Logitech की तरफ से आने वाला ये जो हेडफोन है ना, ये अपनी प्राइस रेंज में काफ़ी कमाल है। इसका प्राइस अराउंड आपको 3500 रुपये देखने को मिलता है। और गाइस, अगर आपके पास पूरे 5000 रुपये नहीं है तो उस बजट में ये हेडफोन भी काफ़ी कमाल है। ये हेडफोन 50mm ऑडियो ड्राइवर के साथ में आता है जहाँ पर आपको कमाल का म्यूज़िक एक्सपीरियंस तो मिलता ही है और एक इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलता है। इसके अलावा 6mm का माइक है, जो माइक इसका है उसका जो ऑडियो ड्राइवर है वो 6mm का मिलता है। और साथ में ये जो कमाल की बात है वो ये है कि इसमें आपको 3.5mm की एक केबल मिल जाती है जहाँ पे आप इसको फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हो और अपने पीसी में भी कनेक्ट कर ही सकते हो। और इस हेडफोन में एक ख़ास चीज़ जो मेरे को लगी वो है इसका वॉल्यूम कंट्रोलर, जो कि आपको हेडसेट के अंदर ही मिल जाता है। यानी वायर में अलग से कोई हेडसेट दिया नहीं गया, आप हेडफोन से ही वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, माइक फ्लिप अप वाला है, लेफ्ट साइड में आपको माइक देखने को मिल जाता है। और ये हेडफोन भी काफ़ी जल्दी स्टॉक से ख़त्म हो जाते हैं, तो अगर आपको लेना है जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक से परचेज कर सकते हो। अगर आप 3500 रुपये में कोई हेडफोन चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा आपके लिए। नंबर थ्री, हाइपर एक्स क्लाउड स्टिंगर। गाइस, हाइपर एक्स की जो क्लाउड वाली सीरीज़ है जिसमें आपको हेडफोन्स देखने को मिलते हैं, पहली बात तो हाइपर एक्स को आप जानते हो। और ये जो हेडफोन है हाइपर एक्स का एक बेसिक हेडसेट है जो कि आपको 3590 रुपये में देखने को मिल जाएगा अमेज़ोन के ऊपर फ़िलहाल। लेकिन ये 20 जुलाई से स्टॉक में आ जाएगा, तो उसके बाद आप ख़रीद सकते हो, यानी कल ही आपको ये स्टॉक में मिल जाएगा।
तो कल से आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर लेना है तो जल्दी से खरीद लेना, क्योंकि यार अनअवेलेबल होने का कोई फिक्स वो नहीं होता, काफी जल्दी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनअवेलेबल हो जाते हैं अमेजोन के ऊपर से। वैसे तो ये हेडफोन डिजाइंड है कंसोल गेमिंग के लिए, यानी जो कंसोल है उसमें लगा के खेलने के लिए, लेकिन आप चाहो तो इसको स्प्लिटर के जरिए पीसी में और फोन में डायरेक्ट यूज में ले सकते हो। और इस वाले हेडफोन पे आपको 2 ईयर की वारंटी मिलती है, तो ये हेडफोन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इस प्राइस रेंज पे। लेकिन अगर आप एक कंसोल गेमर हो तो आप इसको तो लेना ही, मोबाइल फोन में गेमिंग करते हो तब भी आप इसको यूज कर सकते हो, पीसी में अगर आप करते हो तो यार 7.1 यूएसबी वाला लेना, क्योंकि पीसी में काफी अच्छी साउंड, जो सराउंडिंग साउंड मिलती है और डीप बास सारी कुछ क्लियरिटी मिलती है, वो उन वाले हेडफोन्स में ज्यादा बेटर मिलती है बजाय इनके। तो इसको आप वेल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हो। नंबर 4 Asus Tough Gaming। गाइस Asus जिसको आप जानते हो गेमिंग के लिए कितना फेमस है, मतलब कि गेमिंग हेडफोन्स, गेमिंग फोन्स, गेमिंग लैपटॉप्स कुछ भी ले लो आप Asus की तरफ से, तो Asus की तरफ से ही हम एक हेडफोन ढूंढ के लाए हैं जो कि आपको 4,200 रुपए में देखने को मिलेगा। हेडफोन का नाम है Asus Tough Gaming H5 Lite। तो ये वाला जो हेडफोन है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है, क्योंकि यार इसके जो हेडबैंड है पूरा वो स्टील का है, मतलब स्टील फिनिश है, क्योंकि इसका जो हेडबैंड है वो पूरा स्टेनलेस स्टील के साथ में आता है, टफ है और काफ़ी ड्यूरेबल हेडफोन है। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए आप कोई हेडफोन खरीद रहे हो तो काफ़ी बेटर है, ये क्लासी लुक में आता है। और यहाँ पर जो माइक है वो डुअल है, डुअल माइक्रोफोन दिए गए हैं ताकि आपकी जो चैट है वो काफ़ी बेटर हो पाए। 3.5 mm का जैक है और यहाँ पर ऑडियो स्प्लिटर जो केबल होती है वो साथ में दी गई है, यानी आपको ऑडियो स्प्लिटर केबल लगानी है 3.5 mm की दोनों तरफ, तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। खैर यहाँ पे इनलाइन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, वॉल्यूम एडजस्टमेंट और माइक म्यूट वगैरह। इसके अलावा बटन अनेबल्ड आता है 7.1 सराउंडिंग साउंड के लिए, तो अगर आप फ़ोन में यूज़ करो तो आप सराउंडिंग साउंड बंद कर सकते हो 7.1 वाली, और जब पीसी में यूज़ करते हो तो आप उसको भी कर सकते हो, दोनों चीजें मैनुअली आप कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं ये जो हेडफोन है इसको आप कंसोल, लैपटॉप, पीसी और मोबाइल फोन सभी में यूज कर सकते हो, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बना है। तो Asus की तरफ से आने वाला ये हेडफोन भी काफी बेस्ट है 4,200 रुपए के बजट रेंज पे। नंबर 5 गाइस वीडियो में जो सबसे एंड में मैंने हेडफोन लिया है नंबर 5 पे आने वाला, ये आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा ऑनलाइन, क्योंकि काफ़ी जल्दी स्टॉक ख़त्म होता है इसका। ये आता है JBL की ही तरफ से, JBL Quantum 200। अब यार आप कहोगे JBL का आपने एक ऑलरेडी दे दिया, एक और दे रहे हो, तो यार उसका प्राइस 5,000 है और ये वाला जो है 200 इसका प्राइस 4,000 रुपीज़ आपको देखने को मिलता है। ये भी खैर 50 mm के नियोडिमियम ड्राइवर के साथ में मिलता है, जो कि एक सराउंड साउंड तो देता ही है आपको और एक JBL का सिग्नेचर साउंड भी आपको दे देता है, जिससे आप यार अगर JBL को यूज़ करते हो तो आपको पता ही होगा कैसा उसका सिग्नेचर साउंड होता है, जो बाकी हेडफोन से उसको अलग करता है। खैर माइक वही आपको डायरेक्शनल बूम माइक दिया गया है, जिसको आप फ्लिप अप करके यूज में ले सकते हो, बाकी सारे स्पेक्स सेम है, बाकी JBL के फर्स्ट वाला जो हेडफोन मैंने आपको बताया उसी की तरह, बस यहाँ पे जो प्राइस है आपको वो 4,000 मिलेगा। आप दोनों ही हेडफोन्स को कंपेयर करके देख सकते हो उनकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। यहाँ पे जो आपको नंबर 1 पे जो मैंने 300 वाला बताया, उसके जो कुशन्स है वो काफी बाहर की तरफ निकले हुए हैं ओवर द ईयर हेडफोन्स के हिसाब से। ये भी ओवर द ईयर हेडफोन है, लेकिन इसके जो कुशन्स है वो थोड़े कम बाहर निकले हुए हैं, मतलब थोड़ा यहाँ पे बचत की है JBL ने बाकी छोटी मोटी चीज़ों में। और उसके अलावा यहाँ पे जो आपको सपोर्ट मिल जाता है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए मिलता है, इसमें भी और जो 300 वाला है उसमें भी, क्योंकि यार हमारे रिसेंटली काफ़ी कमेंट्स आए थे कि यार आपने पीसी के लिए तो बता दिया लेकिन फ़ोन के लिए मैं कौन सा हेडफोन खरीदूं गेमिंग में। तो गाइज़ ये पांचों ही हेडफोन्स आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो, पीसी में भी यूज़ कर सकते हो, कंसोल में भी यूज़ कर सकते हो। खैर इस JBL हेडफोन की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी तो अवेलेबल है लेकिन पता नहीं कब अनअवेलेबल हो जाए, तो जाके जल्दी से खरीद लेना जो भी हेडफोन आपको खरीदना है हमारी लिस्ट में से। और हेडफोन ही नहीं यार, हम सभी प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाते हैं एंड इवन अपडेट भी करते रहते हैं, तो आप जाके डायरेक्टली वहां से परचेस कर सकते हो। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो बताना नीचे कमेंट्स में, और इनमें से आप कौन सा हेडफोन लेना चाहते हो वो भी बता देना, और कौन सा आप ले चुके हो उसको भी बता देना। खैर अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, और पसंद नहीं आई है तो इसको डिसलाइक कर देना। अपने फीडबैक्स भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलो मिलेंगे आपसे जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए गैजेट के साथ में।